छत्तीसगढ़ आज एक दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक मंदिर बालोद जिला में स्थित ग्राम मालीभोरी में कुकुरदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो बालोद से लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ी और ये विकासखंड बालोद में यही तो कर दर्शन करे बरान संगवारी हो। एक ऐतिहासिक का है, एक विस्तृत जानकारी का है। इला अपन यूट्यूब चैनल तेन सिंह साहू के माध्यम से अपन के बीच में रखे बर जात हूँ, तो वीडियो मन तक बने रहो और संगवारी हो। ये जो मंदिर है, एक बंजारा के ऊपर जो कुत्ता पाले रहते ओकर ऊपर ये मंदिर स्थापित है, इसे कुछ चर्चा सुनने मिलते तो ओकर बारे में आप मन के बीच में अपन वीडियो के माध्यम से अपन के बीच में लाता हूँ। तो वीडियो मन तक जरूर बने रहो और चैनल में पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे दबा दो ताकि वही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। तो चलो सोमवारी हो अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मन के बीच में जो कुकुरदेव मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर है, ओकर बारे में आप मतलब बताना चाहूँ कि बालोद जिला से ये 8-10 किलोमीटर दूर में स्थित है और ये मंदिर के जो मुख्य जो मंदिर है जहाँ शिव भगवान है वो विराजित है और ओकर साथ ही जो गर्भगृह में जो कुकुर है, जो कुत्ता है, ओकर भी प्रतिमा स्थापित करे गए है। सावन के महीना में यहाँ श्रद्धालु मन के भयंकर भीड़ थे, संगवारी बहुत ज़्यादा भीड़ थे। शिव के साथ साथ यहाँ कुकुर के भी, कुकुर देव जो है ओकर भी पूजा करे जाते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ मंदिर है मुख्यतः और कुकुर देव के मंदिर है, जैसे शिव मंदिर में शिव में नंदी की पूजा होते हैं, वहाँ बगल में जो कुकुर है, कुकुर देव के जो प्रतिमा है ओकर भी यहाँ पूजा होते संगवारी हो। ये जो मंदिर के जो है वो 200 मीटर के दायरे में फैले हुए है और मंदिर के गर्भगृह के अलावा प्रवेश द्वार में भी दोनों तरफ, अभी जैसे देखे वीडियो के माध्यम से वहाँ आइड साइड में दोनों साइड कुत्ता के जो प्रतिमा है वो भी लगाए गए। मान्यता है कि कुकुर देव के दर्शन करे से ना कुकुर खांसी हो और ना कुकुर के चाबे के डर बने थे, ये नहीं हो सके मतलब डर बने रहते वो ख़त्म हो जाते, ऐसे कहना है संगवारी हो। जैसे देख सकते हो शिवलिंग के बगल में वो कुकुर, जो कुकुर देव है या कुत्ता है, उनका जो प्रतिमा भी यहाँ स्थापित करके रखे गए संगवारी हो। दरअसल एक जो मान्यता कुछ ए ढंग है संगवारी हो, जो हमला सुने और जाने मिलिस कि कुकुरदेव मंदिर एक स्मारक है। ये जो है मंदिर एक वफादार कुत्ता के या कुकुर के याद में बनाया गया है। कई सदी पहले ये गांव में एक बंजारा रिस जो अपन परिवार के साथ यहाँ आके बसे रही से और ओकर साथ एक कुत्ता भी आ रही से। गाँव में एक बार अकाल पड़ जाते तो बंजारा गाँव के जो साहूकार है ओकर से कर्जा ले रहे थे, लेकिन वो कर्जा ला वापस नहीं कर पाए तो फिर वो साहूकार के पास अपन कुत्ता गिरवी रख देते। एक समय के बात संवारी हो कि जो साहूकार यहाँ है ओकर यहाँ ना चोरी हो रहे थे, तो वो जो चोरी के पता ना वो कुत्ता ही लगाते थे। तेकर खुशी में कि जो ओकर जो चोरी हो रहे थे ना, जो धन दौलत है ओकर जो जानकारी ला कुत्ता ही बचा रहे थे और जानकारी दे रहे थे और चोर मतलब पकड़ा रहे थे, तो ओकर खुशी में वो जो साहूकार रहते वो कुकुर ला वो कुत्ता ला बंजारा पर रिहा कर देते या छोड़ देते ओकर खुशी में कि ये बहुत वफादार है और आज एकर नाम से मोर जो धन दौलत है वो बाँचिस करके और चिट्ठी भी लिखी रहते संगवारी हो। लेकिन वो जैसे मालिक कर पहुँचते वो बंजारा कर पहुँचते और जैसे देखते बहुत गुस्सा में आ जाते बंजारा है कि ये मोर विश्वासघात करे है, जहाँ छोड़े रहे वहाँ से भग के आए और वो लोग मार मार के पीट पीट के मार डालते लाठी डंडा से, गुस्सा आके मार देते। बाद में ओकर गला में जो लटके रहते चिट्ठी वाला पढ़ते तो बहुत अफसोस होते संगवारी हो। ये एक मान्यता है। आप मतलब बताना चाहूँ नवरात्रि पक्ष में यहाँ ज्योति कलश की स्थापना रहते, दुर्गा के साथ साथ यहाँ सरस्वती मैया के और गणेश जी के और बजरंग बली की भी मूर्ति है। तो ये ढंग ले ये हमारे बालोद जिला के लिए एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है संगवारी हो, जो छत्तीसगढ़ में एकमात्र हमारे बालोद जिला में स्थित है। तो ये छोटे से जानकारी आप उनके बीच में लाइक प्रेस करो और ये वीडियो आप तक पहुँची तो संगवारी हो मैं चाहूँ और निवेदन है कि हमारे बालोद जिला के जो जानकारी है अच्छा से फैले, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो वीडियो है ओला जरूर शेयर करो ताकि जन जन तक ये जो जानकारी है पहुँचे। तो धन्यवाद संगवारी हो, वीडियो में बने रहे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
आने का काम खड़े हो जाते हैं।